नोएडा में 15 डार्क स्पॉट खत्म करने की तैयारी प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। इन जगह अधिक सड़क हादसे और जाम की समस्या होती है। कंपनी ने सर्वे कर रिपोर्ट प्राधिकरण को दे दी है। दनकौर क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे सुंदर भाटी गिरोह के दो बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए। तीसरे बदमाश प्रिंस खारी को भी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से इनोवा कार, पिस्तल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एलिवेटेड रोड पर आतिशबाजी करते हुए जन्मदिन मनाने वाले चार युवकों को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी ब्रेजा कार को भी जब्त कर लिया। शहर में अवकाश के दिन भी 25 से अधिक सेक्टरों में बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। इसकी लोगों ने सोशल मीडिया पर भी जमकर शिकायत की, परंतु लोगों को बिजली कटौती से राहत नहीं मिली, जबकि विद्युत निगम ने शहर को नो पावर कट जोन का दर्जा दिया हुआ है।